राजूला से ये खबर सामने आ रही है। राजूला में कार्यरत पिपलाव पोर्ट की ओर से मैंग्रोव के जंगलों को उनका नाश करने की कोशिश की जाने का खुलासा हुआ है। केमिकल युक्त पानी के जरिए मैंग्रोव के जंगलों को नाश किया जा रहा है और ये पूरा खुलासा पर्यावरण प्रेमी चेतन व्यास की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि चेतन व्यास की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि समंदर के तटीय विस्तार की जमीनों को हड़पने का ये पूरा कौभांड है, जिसके जरिए पिपलाव पोर्ट की ओर से मैंग्रोव के जंगलों का नाश किया जा रहा है। तब पर्यावरण प्रेमी चेतन व्यास की ओर से क्या खुलासा किया गया, आइए जानते हैं। पिपलाव पोर्ट द्वारा ताजेतर में मैंग्रोव ना वृक्षों जंगल नो खूब मोटा प्रमाण में नाश करेल छे। એમાં જાણવા મળતી વિગત મુજબ આ લોકોએ કેમિકલવાળું પાણી અંદર નાખવાથી લાખોની સંખ્યામાં મેંગ્રોવ્સના વૃક્ષોનો નાશ થઈ ગયેલ છે। અગાઉ પણ પીપાવ પોર્ટ દ્વારા રોડમાં અને સર્વે નંબર 109 અને 42ની વચ્ચેની જમીનમાં પણ લાખોની સંખ્યામાં મેંગ્રોવ્સ વૃક્ષોનો નાશ કરેલ છે। આ મેંગ્રોવ્સના વૃક્ષો છે તે એકદમ આરક્ષિત વૃક્ષો છે અને આ અંગે અમે અગાઉ પણ અનેક જગ્યાએ રજૂઆત કરેલ, તેમ છતાં કોઈ પણ કાર્યવાહી કરેલ નથી। આ પીપાવ પોર્ટ દ્વારા આવી રીતે પર્યાવરણને નુકસાન થતું હોય આ અંગે અમે આગળ ઈસી રદ કરાવવા માટે અમે ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલમાં જવાના છીએ। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।